Let's try that. निहारिका निहारिका मैं इन लोग को दुबई में नहीं ले जाता हेलो जन्नत जी मैम रुक जाइए ऑन टू कर आते रहो कोई बात वाओ वेट जन्नत जी अभी रुक जाओ वेट ऑल फैमिली वेट फैमिली सर साथ में रुको कैमरा कैसे मैम जी यहां पे देखो यहां तक तो चलो गाइस वेट ना अरे लाइट क्यों बंद करे कृष्ण जी का नया गाना आया आ रहा है कृष्ण जी साथ में आ जाओ मैम तीनों साथ में आइए ना तीनों पांचों जितने सब साथ में आ जाओ रोशनी जी तीन जिला रोशनी जी साथ में आ जाओ जन्नत जी साथ में यस भाई मोबाइल मोबाइल वाला कौन आया नया रोशनी जी पे देखो अजय पहले फोन लेना इससे करना थोड़ा लेना ट्राइपॉड से हट जा दूर हाथ में फ्रेम एक मिनट वो भाई साहब आप फ्रेम में हो पीछे आ जाओ ना भाई थोड़ा पीछे आ जाओ ना भैया मोबाइल कौन है पीछे आपका कैमरा फ्रेम में आ रहा है क्या फायदा मैं चला जाऊँ गौतम जी का बर्थडे है मैड इन्फ्लुएंसर सच अ बिग कंपनी वो व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डू यू शेयर एंड किस तरह के विशेष देना हैप्पी बर्थडे हाउ आर यू दिवस जी का किशन पीछे आ यार पीछे गौतम का बर्थडे और गौतम को हम लोग बहुत सालों से जानते हैं लेकिन ये उनका पहले साल का बर्थडे जो हम लोग अटेंड कर रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड एंड व्हाट डू वांट टू से अबाउट द मैड इन्फ्लुएंसर 5 साल हो गए इस चीज को क्या कुछ कहना चाहोगे मैड इन्फ्लुएंसर Mad is a very very important part of my life and these guys are very very special. I'd like to wish them all the very best and all the success and yeah, happy birthday to Gautam. And being an influencer, so, how important is it for being associated with Mad? I think it's very important to be in the right hands, to be you know, in the influence of the right people जो आपको सही तरह से guide करते हैं और जिनके इतने creative ideas आपको मिलते हैं और इतना support रहता है आपको so I think it's very very important and Mad is doing a great great job with that and I'm very very happy to be there. Recently there are so many buzz that you are going in going for Khatron Ke Khiladi so what do you want to say about it? As of now nothing. Thank you. बोले मैं बंद कर दवाई ले
गौतम जी का बर्थडे, किस तरह का बॉन्ड आप शेयर करते हो और क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? बॉन्ड हमारी ऐसी है कि हम हमेशा बैठते हैं तो हम ब्रांड्स और नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सच सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड एंड ही इज माय गुची बर्बरी गाय आई मस्ट से। एंड व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मैड? Now I'm associated with Mad, so it's a beautiful journey. I think I've had a lot of fun. और इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, because Mad के 4 साल complete हो गए and it's Gautam's birthday, so both the things and recently your song has came. Yes, yes, it came out today on his birthday. My birthday, cutie on cutie. Yeah. So what kind of response you are getting? I'm getting a good response from all of you, and especially because the song says it all. So yeah, thank you so much. What do you want to say about the song? I think it was very well shot, and I think when she was going for the shoot, she was super excited. I was. And even was after so the nervous. Shoot, she was super excited. So crazy stuff, crazy. So it's damn crazy. Thank you guys. ओके, आज गौतम जी का बर्थडे, किस तरह का बॉन्ड आप शेयर करते हो, क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? ऑब्वियसली मतलब विशेष तो हमेशा अच्छी होती है, एंड गौतम को मैं बहुत पहले से, मैं इनफैक्ट अभी अभी मिली हूँ, दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज फ्रॉम अ फ्रेंड एंड अ ब्रदर, सो इट्स लाइक यू नो ही इज़, हाउ डू आई से इट, मतलब मैं एक दोस्त के थ्रू भी मिली हूँ और मैं मेरे भाई के थ्रू भी मिली हूँ, तो और मैड की मैं बात करूँ तो मैड पूरे 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। किस रियली यार बर्थडे है मेरा यार। हाँ 5 साल भी कंप्लीट हो गए। हाँ 5 साल कंप्लीट होने वाले, इट्स अ फिफ्थ ईयर रनिंग। या सो व्हाट डू यू वांट टू से? कांग्रेचुलेशंस। या व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मैड इन्फ्लुएंस? आई होप दैट वी सेलिब्रेट द 50th एनिवर्सरी आल्सो। यस। एंड व्हाट डू यू वांट टू से? दिस इज योर, किस तरह की फीलिंग है? अप एंड अप एंड अप, देयर इज ओनली वन थिंग, अप एंड अप एंड अप, स्काई इज द लिमिट। इज देयर एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट वुड यू लाइक टू शेयर? यस आई एम, मैं अभी पोस्ट प्रोडक्शन का वेट कर रही हूँ, क्योंकि फिल्म के अंदर बहुत सारा VFX है, एंड ऑल्सो इट्स अ लंडन बेस्ड कंपनी, तो बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है, वी माइट हैव सम पैच वर्क लेफ्ट, तो होपफुली। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट विद सलमान सर? नॉट, अभी तो नहीं पता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।